एक ऐसा फ्रिज जिसमें खाना नहीं बल्कि रखे जाते हैं जूते, और एक ऐसा अनोखा गांव जहां हर इंसान चलाता है करोड़ों की कार, और एक ऐसी बिल्डिंग जिससे कुछ और नहीं बल्कि पानी निकलता है, जानेंगे वीडियो के लास्ट में। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों जब हमारे घरों में खाना थोड़ा ज्यादा बन जाता है तो हम इसे या तो फ्रिज में रख देते हैं या फिर फेंक देते हैं, लेकिन इतना कष्ट कोई नहीं उठाता कि इस खाने को किसी गरीब को दान करते, क्योंकि भारत में रोटी की प्रॉब्लम को सबसे बड़ी प्रॉब्लम माना जाता है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है चेन्नई की ऑर्थोडोंटिस्ट ईसा फातिमा जैस्मीन ने। असल में उन्होंने एक फ्रिज पब्लिक प्लेस में लगाया है जो हर टाइम खाने पीने के चीजों से भरा रहता है, जहां से कोई भी राह चलता इंसान खाना खा सकता है। सिंपल शब्दों में कहें तो चेन्नई के इलियट बीच पर रखा ये फ्रिज लाखों लोगों का पेट भरता है। इस फ्रिज में खाने पीने का सामान लोग अपने घरों से या रेस्टोरेंट से रखने आते हैं। खास बात यह है कि इस फ्रिज में न सिर्फ खाना बल्कि किताबें, कपड़े, टॉयज और जूते भी रखने आते हैं, ताकि किसी जरूरतमंद की मदद हो जाए। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों बबल्स देखने में जितने ज्यादा अच्छे और अट्रैक्टिंग लगते हैं, ये उतने ही जल्दी किसी के छू देने पर फूट भी जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्रांस की यूनिवर्सिटी ऑफ लील के साइंटिस्ट ने एक ऐसा बबल बनाकर तैयार किया है जो कई दिनों तक ज्यों का त्यों ही बना रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बबल्स के ज्यादा देर तक टिकने के पीछे के प्रोसेस को ग्रेविटेशनल ड्रेनेज कहा जाता है, और इसी का फायदा उठा के फ्रांस की यूनिवर्सिटी ऑफ लील ने इस बुलबुले को बनाया है। आपको बता दें कि बुलबुले की उम्र बढ़ाने के लिए मुकाबिर ग्लिसरॉल नाम का तत्व सबसे अहम था, जिससे इवेपोरेशन की वजह से बुलबुला फूटता है। उसे इसने कम किया और हवा की नमी को सोख लिया। लिक्विड में मौजूद प्लास्टिक पार्टिकल्स ने इसमें से पानी के बहने को भी रोक दिया। ऐसे में बुलबुला ज्यादा देर तक वैसा ही बना रहा। अब तक किसी ने भी कोई बुलबुला 465 दिनों तक टिकता हुआ नहीं देखा था, यानी ये विज्ञान का चमत्कार ही है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आज के समय में लोग पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, और ऐसा ये किस्सा हमने आपको फार्ट जार गर्ल के बारे में बताया था, और उसी की तर्ज पर आज हम आपको ऐसी एक और महिला के बारे में बता रहे हैं। असल में ओनली फैंस स्टार एना डी को उसके फैंस रेबिका ब्लू के नाम से भी जानते हैं। एना ने ऑनलाइन अपनी कई प्राइवेट चीजें बेची है। बात अगर एना की प्रोफेशनल लाइफ की करें तो वो पहले एक स्ट्रिपर थी, इसके बाद उसने ऑनलाइन पैसे कमाने की दुनिया में कदम रखा। एना सोशल इन्फ्लुएंसर बन गई, लेकिन तब हैरान रह गई जब उसके फॉलोवर्स उससे अजीबोगरीब डिमांड करने लगे। लोगों ने उसे अपने पुराने अंडरवेयर बेचने की रिक्वेस्ट की। शुरुआत में एना को लगा कि ये एक मजाक है, लेकिन इसके बाद उसने मजाक मजाक में ही अपना एक गंदा अंडरवेयर ऑनलाइन सेल पर लगाया। जब इसके बदले उसे अच्छा खासा पैसा मिला तो उसने ऐसे अंडरवेयर बेचे, और फिर देखते ही देखते उसने अपने सॉक्स और थूक भी बेच डाला। जब इससे भी एना का मन नहीं भरा तो उसने अपना यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव सेल कर दिया, जिसके लिए लोग उसे 1,00,000 रुपए तक पे कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 6, दुनिया में तमाम तरहों के कीड़े देखने को मिल जाते हैं, और उन्हीं में से एक है ब्रांचिंग वॉर्म। असल में जापान के सेडो आइलैंड में एक खास किस्म का कीड़ा मिला है। इसका शरीर पेट की टहनियों की तरह हर डायरेक्शन में बढ़ता है, यही वजह है कि इसका कोई परफेक्ट शेप या चेहरा नहीं होता। खास बात यह है कि सजीव से दिखने वाले जीव का नाम मशहूर फिल्म गॉडज़िला के मॉन्स्टर किंग गिधोरा के नाम पर रैमिसिलिस किंग गिधोरा ही रखा गया है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों गांव का नाम आते ही लोगों के जहन में झोपड़ियां, खेत और खेती करते किसान आते हैं, लेकिन जिस गांव की बात मैं कर रहा हूं उसकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर गांव में होती है। बता दें कि नॉर्थ यूके के नाइट्स ब्रिज गांव में हर घर की कीमत 8 करोड़ रुपए के ऊपर है, और यहां हर किसी के पास लंबोर्गिनी, बुगाटी, मैकलेरन जैसी गाड़ियां हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहां रहने वाले लोग ऐसा क्या काम करते हैं। दरअसल ये अपने घर पर खड़ी इन गाड़ियों की तस्वीरें खींचने के बदले लोगों से पैसे लेते हैं। स्पोर्ट्स कार इन गाड़ियों की तस्वीरें लेने दूर दूर से गांव पहुंचते हैं। असल में इसके पीछे है कार स्पॉटिंग ट्रेंड, जिसमें लोग महंगी गाड़ियों की तस्वीरें लेते हैं और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों जब भी ब्लड की बात होती है तो ए बी, ए बी और ओ ग्रुप की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, लेकिन दुनिया में कुछ लोगों के खून में ऐसा खून है जो काफी यूनिक है। ये ब्लड इतना रेयर है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 43 लोगों के पास ही ये खून है, लेकिन इस ब्लड में ऐसा क्या खास है? आपको बता दें कि इस ब्लड ग्रुप का नाम है एबीओ, और इस ब्लड ग्रुप में कोई आरएच फैक्टर होता ही नहीं है। असल में रीसस डी एंटीजन को शॉर्ट में आरएच कहा जाता है, जिससे ब्लड के पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में पता चलता है। इसे ही आरएच फैक्टर कहा जाता है। आपको बता दें कि ये ब्लड ग्रुप हर किसी को भी नहीं चढ़ाया जा सकता, और रेयर होने की वजह से ये सिर्फ गोल्डन ब्लड वाले लोगों के काम आ सकता है। साथ ही इसे अन्य ब्लड ग्रुप में चेंज नहीं किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि ट्रेन में कितने गियर होते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेलवे की भाषा में गियर को नॉच कहा जाता है, और डीजल लोकोमोटिव इंजन और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन की बनावट अलग
अलग होती है। अगर डीजल लोकोमोटिव इंजन की बात करें तो इसमें कुल 8 नॉच होते हैं। कई ट्रेनें अपने 8वें नॉच पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि एक बार अगर नॉच को फिक्स कर दिया जाए तो उसे बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। जब गति कम करनी हो तो नॉच को डाउन कर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों झरने दुनिया की वो खूबसूरत चीज है जिसे हर कोई देखना चाहता है। आपने भी कभी न कभी इन्हें देखा होगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक झरना ऐसा भी है जो कहीं और से नहीं बल्कि एक बिल्डिंग के अंदर से निकलता है। जी हाँ दोस्तों, असल में चीन की लाइबियन इंटरनेशनल बिल्डिंग को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है, जहाँ से कुछ 121 मीटर ऊंची बिल्डिंग से 108 मीटर ऊंचा झरना गिरता दिखाई देता है। बता दें कि इस झरने को बिल्डिंग के मैनेजमेंट की तरफ से कंट्रोल किया जा सकता है। बता दें कि इस झरने को चलाने के लिए इसका एक घंटे का खर्चा करीब $100 तक आता है, जो लोगों को फिजूल की खर्ची लगती है। और यही वजह है कि जब से ये झरना बनकर तैयार हुआ है तब से सिर्फ इसे 6 बार ही चलाया गया है। फैक्ट नंबर 1, तोता नकल में कितना माहिर होता है ये तो हम सब जानते हैं, क्योंकि शब्दों को रटने में उसे महारत हासिल है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे तोते से मिलवाने जा रहे हैं जो अपने मुंह से आईफोन की रिंगटोन निकाल रहा है। दरअसल ये तोता अपने मालिक के मोबाइल के रिंगटोन को इतनी बार सुन चुका है कि अब ये हूबहू इसकी नकल करने लगा। हैरान करने वाली बात ये है कि अब ये तोता हर किसी आईफोन के रिंगटोन की आवाज निकालने लगता है। कभी कभी तो उसका मालिक भी धोखा खा जाता है। तो इसे आप खुद ही क्यों नहीं देख लेते। तो दोस्तों आज के सफर में बस इतना ही। उम्मीद है फैक्ट्स के इस रोमांचक सफर ने आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा और आपको कुछ नया एंटरटेनमेंट भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा अगले हफ्ते नए फैक्ट्स के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।